डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है। ये जिस उपकरण से पदार्थ का स्पेक्ट्रम लिया जाता है उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, यह आपको सबको मालूम। इस स्पेक्ट्रोस्कोप में किस प्रकार के रेडिएशन प्रयुक्त होते हैं उतनी ही प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, क्योंकि प्रत्येक स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो आविष्कार हुआ वो इंडिपेंडेंट हुआ। यदि अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशन काम में लेते हैं तो अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाई। तो नंबर वन अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें कौन सा काम लेते हैं? अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में लेते हैं, रेडिएशन काम में लेते हैं, इसलिए ये अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाई। इसके इस रेडिएशन के अवशोषण से अणु में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, जिसको हम आपको डिटेल में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम केवल आपको ये बताने जा रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है। जिस स्टूडेंट ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर लिया वो बिल्कुल एमएससी पीएचडी आगे तक वो काम आती है, क्योंकि ये आधुनिक टेक्निक, इसके बिना काम नहीं चलता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पदार्थ मत इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है, और इंटरेक्शन से जो स्पेक्ट्रा बनता है उसी के अनुसार उसका विश्लेषण करके हम पदार्थ की आणविक संरचना का पता लगा सकते हैं। अब पुनः हम उस अपनी बात पर आते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर में जिस प्रकार की रेडिएशन आप काम में लेंगे उसी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। नंबर वन अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, नंबर दो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर रेडिएशन प्रयुक्त करते हैं, तीसरे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें जो एक्टिव प्रोटॉन है और प्रोटॉन के संबंध में अध्ययन किया जाता है। और अगले है स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोवेव, इस प्रकार से जैसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हम माइक्रोवेव रेडिएशन काम में लेते हैं तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस प्रकार से अनेक प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स आज हमारे सामने है, जिसके सहायता से हम अणु की संरचना का पता लगा सकते हैं। अब आपने देखा कि देखिए हर स्टूडेंट को यह जरूरी ज्ञान होना चाहिए, यदि स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छा है, कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम पूरा हो गया। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में हम आगे जाएंगे, अब केवल इसका परिचय चल रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो मेरी बुक है मोना प्रकाशन की, मोना प्रकाशन की बुक चलती है, उस बुक में जो भौतिक रसायन आपको मैं दिखा रहा हूं इसमें, इसको खरीदिए, आपको एमएससी तक कोई रोकने वाला नहीं, बीएससी एमएससी नेट गेट सभी प्रकार के परीक्षाओं में स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन आवश्यक है, इसलिए इस बुक का अध्ययन कीजिए। ये मोना प्रकाशन है जो अलवर से प्रकाशित होती है, भौतिक रसायन बीएससी पार्ट थर्ड, इसमें जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है सभी का अध्ययन डिटेल से किया गया है। तो आप केमिस्ट्री जिसने स्टूडेंट ने यदि स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी उसका मतलब उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए बच्चों आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब आप हम आते हैं स्पेक्ट्रम क्या है, ये तो 9वीं-10वीं क्लास की बातें हैं। वैसे तो स्पेक्ट्रम यदि हम संक्षिप्त बातें करें, मान लीजिए व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को कांच के प्रिज्म में से गुजारते हैं
तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसको 30% कहते हैं या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों में मान लीजिए ये प्रिज्म है, इसमें से व्हाइट लाइट गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं, जिनके जो किस क्रम में व्यवस्थित है, ये तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और आपको एक पट्टिका सी दिखाई देगी, सुन रहे हो, एक बैंड दिखाई देगा, इस बैंड को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम जो टर्म है, स्पेक्ट्रम का मतलब ये है भिन्न भिन्न पदार्थों का जो एनएमआर स्पेक्ट्र हो चाहे अवीव स्पेक्ट्र हो, जो विश्लेषण करने के बाद जो डायग्राम बनता है उसका विश्लेषण करेंगे तभी पदार्थ का अणु संरचना का पता लगेगा। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। बच्चों हमारे सामने जो लाइट दिखाई दे रही है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमें दिखाई नहीं देते कि ये तो विजिबल है इसलिए दिखाई दे रहा है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है यदि उनको हम एक तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यवस्थित करें, बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के रूप में, इंक्रीजिंग लैम्डा के रूप में व्यवस्थित करें, तो हमें एक पट्टी का दिखाई देगी। इस पट्टी का वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, कॉस्मिक रे, कम तरंग दैर्ध्य, इस एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, फार में मैंने 2 भागों में बांट दिया। जब हम आगे डिटेल अध्ययन करेंगे, जब हम बताएंगे नियर आईआर क्या है, फार आईआर क्या है, माइक्रोवेव, रेडियोवेव, इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ तरंग दैर्ध्य के रूप में हमने एक पट्टिका के रूप में व्यवस्थित कर दिया, इसलिए ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आज देखना विजिबल लाइट, इसमें 7 रंग होते हैं, जिसका वेवलेंथ होता है 400 nm से 800 nm, जिसको हम बीम ग्रो कहते हैं। आप सभी जानते हैं तो 9वीं-10वीं वाली बात, लेकिन मुझे पढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिटेल जाने से पहले उसकी फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना रखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य और डिक्रीजिंग एनर्जी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब है कॉस्मिक रे का वेवलेंथ कम है, माइक्रोवेव का वेवलेंथ ज्यादा है, कॉस्मिक वेव की ऊर्जा ज्यादा है, माइक्रोवेव की एनर्जी ज्यादा है, कम है, क्योंकि आपको मालूम है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ होता है, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती वैसे वैसे वेवलेंथ कम होता जाता है। तो आज हम आपको जो बता अब तक बता चुके स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यह हम अध्ययन करेंगे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडियोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी और उनके कौन से भाग को प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सिग्मा सिग्मा पाई पाई जो आगे हम बताने जाएं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही चीज है, आप टेंशन ना लें, यदि आप टेंशन लेंगे तो समझ में नहीं आएगी, आप आराम से पढ़िए मेरे से, मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और आप विस्तृत अध्ययन के लिए मोना प्रकाशन की बुक अवश्य खरीदें जो आपको हम पहले दिखा चुका और मैं अब दोबारा दिखा रहा हूं, इसमें पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जहां भी मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूं पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाता हूं, क्योंकि बच्चा थर्मोडायन भी पढ़ लेता है, क्वांटम भी घर पर पढ़ लेता है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में नहीं आती, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टूडेंट को अवश्य पढ़नी चाहिए क्योंकि उसके फ्यूचर में काम आती है। थैंक यू वेरी मच, मैं डॉक्टर रामानंद यादव, और अगले 1 दिन के बाद मैं पुनः वीडियो लाऊंगा, इसमें बताया जाएगा कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी अणु के कौन से भाग को प्रभावित करती है। थैंक यू वेरी मच।